नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आर क्लोन डॉट कॉन्फिग फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने मिरर बॉट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। आपको ये लिंक ओपन करना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद ये लिंक ओपन होने के बाद आपको 10 सेकेंड्स वेट करना होगा। 10 सेकेंड्स का टाइमर पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे पिंक बटन जो दिख रहा है, जो फ्लैश हो रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे गेट लिंक लिखा जाएगा तो हमारा जो टाइमर है वो पूरा हो गया है, और यहाँ पे गेटिंग लिंक, नाउ गेट लिंक पे आपको क्लिक करना है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये आपसे परमिशन ले सकता है, आपका जो ब्राउज़र है आप इसे अलाउ कर दें अपनी परमिशन पे। मैंने परमिशंस पहले से दी हुई है तो इसलिए मेरे से परमिशन नहीं ली है इसने, और आपका जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन करें, और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है वो सेटअप होने में और अपनी रिपोजिटरीज को अपडेट करने में कुछ टाइम लेगी, जिसमें आपका इंटरनेट यूज़ नहीं होगा, तो आपको बस कुछ देर वेट करना है। आपकी एप्लीकेशन फुली सेटअप होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करना है और इस पर सर्च करना है टर्मैक्स, और उसके बाद आपको ये जो टर्मैक्स टर्मिनल है आपको ये डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। वैसे तो जो ये एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, लेकिन प्ले स्टोर पे इसका आउटडेटेड वर्जन है इसे, और उस पर आर क्लोन कॉन्फिग्रेशन फाइल ठीक से क्रिएट नहीं हो रही थी, तो हमने इसीलिए आपको ये तरीका बताया है। आप इसी तरीके को फॉलो करें और ऐसे ही इसे डाउनलोड करें, तभी आपकी आर क्लोन कॉन्फ़िगरेशन फाइल वर्क करेगी। आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे परमिशंस देनी होंगी, तो आप इस पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे, और उसके बाद वापस आएंगे और फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और एक चीज़ याद रखिए, इस टर्मैक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इसे डायरेक्ट ओपन ना करें। अगर आप गलती से डायरेक्ट ओपन कर देते हैं तो आप इसके सेटिंग्स के अंदर जाके इसका डाटा जो है वो क्लियर कर दें। तो हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अब इस एप्लीकेशन को, इसकी इंफॉर्मेशन को खोलूँगा ऐप की, और इसके अंदर जाऊँगा परमिशंस में, और परमिशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टोरेज को अलाउ कर देना है। स्टोरेज अलाउ करने के बाद अब आपको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। अभी हमारी एप्लीकेशन सेटअप होगी। ये सारी कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन कमांड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है cd /sdcard और प्रेस एंटर। इसके बाद आपको डालना है ls, ये देखने के लिए हम एस डी कार्ड के अंदर आए हैं या नहीं। तो हम एस डी कार्ड के अंदर आप आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी एस डी कार्ड की जितनी डायरेक्टरी है वो सारी ये दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है pkg install rclone और एंटर कर देना है। इसके बाद आपके डिवाइस के अंदर ये 11 MB की फाइल डाउनलोड करेगा। हम उस फाइल को डाउनलोड होने का वेट करेंगे। जब तक वो फाइल डाउनलोड ना हो आपको कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 MB की यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो रही है। हमारे यहाँ पे जो फाइल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है rclone /config और एंटर कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे एन टाइप करना है और एंटर कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे, आप मिरर बॉट बना रहे हैं जो कि गूगल ड्राइव से वर्क करेगा, तो आप यहाँ पे जी ड्राइव लिखें और एंटर कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल ड्राइव इन नंबर्स के अंदर, तो आप, मेरे को यहाँ पे मिल गया है गूगल ड्राइव 16 पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 16 टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी के अंदर कुछ भी एंटर नहीं करना है, आप सिंपली से खाली छोड़ के एंटर कर दें। क्लाइंट सीक्रेट आईडी के अंदर आपको कुछ एंटर नहीं करना, आप एंटर करके ख़त्म कर दें। इसके बाद स्कोप के अंदर हम इसे फुल एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल एक्सेस ऑफ ऑल फाइल्स, तो मैं यहाँ पे 1 एंटर करूँगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे रूट फोल्डर आईडी के अंदर कुछ भी एंटर नहीं करना है, आप सिंपली एंटर कर दें, आप अगेन एंटर कर दें, अगेन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, नाउ अगेन आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपके डिवाइस के अंदर ये
डेस्कटॉप विंडो खोल देगा। आपको यहाँ पे वो गूगल अकाउंट क्रिएट यूज़ करना है जिस गूगल का अकाउंट के अंदर आपने गूगल ड्राइव क्रिएट करी थी। अगर आपको नहीं पता कि गूगल ड्राइव कैसे क्रिएट कर सकते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन करके रखा है तो मेरे को यहाँ पे सिंपली बस अलाउ करना है। मैं यहाँ पे इसे अलाउ कर दूंगा और हमारे यहाँ पे जो सक्सेस हो चुका है। फिर आपको टर्मेक्स के पास वापस आना है। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि हम शेयर ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, तो हम यस हम यहाँ पे शेयर ड्राइव यूज़ कर रहे हैं मिरर बॉट के लिए। तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा, वाई टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपनी फाइल को लोकेट ना कर पाए तो यहाँ पे आपको जो ये मिल गया है ना, ये जो आपको मिल गया है, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है स्क्रीन पे, यही आपकी वो फाइल है जो आपके मिरर बॉट को रन करेगी। तो आप चाहे तो इस फाइल को यहाँ पे यहीं कॉपी कर सकते हैं और आप इसे कहीं भी पेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया ताकि मैं इसे अपने मिरर बॉट के अंदर यूज़ कर सकूँ। इसके बाद आपको वापस आना है ऐप के पास ताकि मैं इस फाइल को ढंग से सेव कर सकूँ। तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्यू लिख के एंटर कर देना है। तो हमारा जो यही टोकन है, ये हम यूज़ करेंगे अपने मिरर बॉट के अंदर। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।